हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद ये ओपन ऑफिस कैल्क है और कैल्क को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो एक ऐसा तरीका जिससे ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आता चला जाएगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो बने रहिए हमारे साथ। साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ, जो भी लोग लाइव क्लास से जुड़ते हैं, टैली की जो लाइव क्लास चलती है शाम को 7 बजे से टैली की लाइव क्लास चलती है, तो आप सारे लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। और आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो बहुत आसान भाषा में हमारे साथ जुड़ करके समझ सकते हैं, ठीक है। आप सीधा सीधा आपको जॉब मिल जाएगी इसकी टैली की बेस पे, इसकी मेरी पूरी गारंटी है। आप जुड़ते रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डेटाबेस और एसक्यूएल, इन सब की क्लासेस जो है संडे को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। ऑर्गेनाइज करते वक्त आपको बता दिया जाएगा कि किस किस समय पे क्लासेस होंगी, आप जुड़ करके लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये सीरियल नंबर आ गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम लिखा है और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करवा देता हूँ। यहाँ से पकड़ते हैं, इसको ड्रैग करवाते हैं, यहाँ तक ड्रैग करवा दिया ना। अब यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं आर ए जे यू, राजू लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पे 4 आ रहा है ऑटोमेटिकली, देखिए 3 वाला छोड़ के 4 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ दैट ओ आई ए, यहाँ पर एक और नाम लिख दिया हमने, तो यहाँ देखिए 6 आ जा रहा है। अगर यहाँ पे जाते हैं तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी ए यू आर ए बी, गौरव लिख दिया, यहाँ पे 3 ऑटोमेटिकली आ रहा है। ये कैसे पॉसिबल हुआ, ऐसा हो सकता है? यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं के यू एन डी ए एन, एक और नाम लिख दिया हमने और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आता चला जा रहा है। ये पॉसिबल कैसे हुआ ओपन ऑफिस कैल्क में, इसी की बात आज हम करेंगे। तो चलिए आते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो हम ये पूरा डेटा इरेज कर देते हैं, ये जो हमने लिया ना, ये पूरा ही डेटा मैं इरेज करने वाला हूँ, उसको यहाँ से हटा करके और डिलीट कर दूंगा। सीधा सीधा डिलीट बटन प्रेस करते हैं और ये सबको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, यहाँ F2 करके आपको दिखा भी देता हूँ, देखिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इफ का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये जो इफ है ना, इफ का ही फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज, एक बात का बहुत ध्यान देना है आपको, वो क्या है, वो ये है कि आपको सेमी कोलन देना है, कॉमा नहीं लगाना है। अगर आप एक्सेल में काम करने के आदि हैं तो आप बार बार सेमी कोलन के बजाय कॉमा ही लगा देंगे, तो ये कॉमा नहीं देना है यहाँ पे, यहाँ पे आपको सेमी कोलन ही देना है, ये ध्यान देना है बस, ठीक है। अगर इतना आपने ध्यान दिया तो ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये इफ लगा दिया हमने, इफ, अब यहाँ पे इफ तो दे दिया। यहाँ पर ये जो है इसका सेल एड्रेस क्या है, मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। देखिए ये B1 है, फिर ये B2 है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए। Is not equal to, यानी यहां पर आप देख सकते हैं ये मैंने is not equal to दे दिया है। ऐसे कंडीशन में यहां पर ब्लैंक, एक बार डबल कोट्स को ओपन कीजिएगा, फिर क्लोज कीजिएगा, फिर लगाइएगा कॉमा, फिर यहाँ रो का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो ये रो का फॉर्मूला यूज कीजिए, क्या कॉमा एक्सेप्टेबल है, मैंने पहले ही बताया था कॉमा नहीं लगाना है, ठीक है। मैं यूज करता हूँ, यहाँ पे आपको सेमी कोलन देना है, ये ओपन ऑफिस कैल्क है, ठीक है। ओपन ऑफिस में जब भी देना है तो सेमी कोलन देना है, एग्जाम्पल लिखना है, सेमी कोलन लगा के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो ऊपर वाला सीरियल नंबर है इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया सेलेक्ट। अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है, कॉमा लगाना है, डबल कोट्स को ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, इस तरीके से आपको करना है। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इतना कॉमा के बजाय सेमी कोलन देना है, ये ध्यान रखिएगा। आप कॉमा मत लगाइएगा बार बार, सेमी कोलन देना है यहाँ पे, सेमी कोलन, ठीक है। अगर कॉमा दे देते तो क्या होता है, यहाँ पे कॉमा दे देते, एक भी जगह कॉमा देंगे तो एरर आ जाएगा। देखिए एरर 508 आ गया, 508 आ गया, आ गया ना। तो आपको यहाँ पे कॉमा नहीं देना है, सेमी कोलन देना। तो जैसे यहाँ पे सेमी कोलन नहीं दिया था तो सेमी कोलन दे देते, एंटर करते हैं, यहाँ देखिए आंसर आ गया आपका। अब ये आंसर आया क्या, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, नाम टाइप करता हूँ, लाइक यहाँ पे एक नाम टाइप किया मैंने, इंसर्ट, ठीक है, नाम टाइप किया। यहाँ पे सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा नाम टाइप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सुनील टाइप करता हूँ, सुनील ये लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने ड्रैग नहीं किया, इसको ड्रैग कर देते हैं, जहां तक ड्रैग करते हैं वहां तक आता चला जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पे लिखता हूँ जी ए यू आर ए बी, गौरव लिख दिया, एंटर किया, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं लोकेश, एल ओ के ई एस एच, ये लोकेश लिखा, एंटर किया, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया। इस तरीके से आप सीरियल नंबर इंसर्ट कराते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया वी आई एस एच एन यू बी, तो ये लिख दिया हमने, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली आता चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी आर आई वाई ए, ये लिख दिया हमने, तो ऑटोमेटिकली ये सीरियल नंबर भी आता चला जा रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये सीरियल नंबर इंसर्ट कराना है तो क्या इंसर्ट कराना है, कैसे इंसर्ट कराना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये आएगा, तो कैसी लगी ये ट्रिक कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।